हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम में। अब दोस्तों, जहां हम अक्सर ही बात करते रहते हैं बी टाउन के सितारों के बारे में, जहां हम इनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप सभी को देते हैं, तो वहीं आज कुछ ऐसी खास बातों पर हम आपको गौर कराना चाहेंगे जिसे जानकर आपको जरा हैरानी भी होगी और आप सोचने को भी मजबूर होंगे। दरअसल आज इस खास प्रोग्राम के जरिए हम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी उम्र तो हो चुकी है ज्यादा, लेकिन वो आज भी कुंवारी हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां तब्बू से लेकर और भी कई हसीनाएं हैं हमारे बी टाउन में जो आज तक भी कुंवारी हैं। जहां सलमान खान की शादी पर अक्सर की जाती है बात, तो वहीं ये हसीनाएं भी हैं जो कुंवारी बैठी हैं और जिनसे कई बार किया जाता है इनकी शादी को लेकर सवाल। इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको इन्हीं सब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। अब दोस्तों, जहां देखा जाए तो हर इंसान की जिंदगी में शादी का काफी महत्व होता है। हर शख्स जो अपनी शादी के सपने देखता है और इन सपनों को पूरा भी करता है अपना लाइफ पार्टनर मिलने के बाद, लेकिन वही आप लोगों के साथ साथ हमारे बी टाउन में भी कुछ ऐसी हसीनाएं हैं जो आज तक भी कुंवारी हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको उन्हीं हसीनाओं से रूबरू कराने वाले हैं जो शादीशुदा नहीं हैं। बता दें कि एक्ट्रेस तब्बू, जो 47 साल की हो चुकी है, तब्बू का जिक्र जब भी कहीं आता है तो उनकी शादी को लेकर जरूर बात होती है कि आखिरकार उन्होंने शादी क्यों नहीं की है। लेकिन बता दें कि सिर्फ तब्बू ही इस लिस्ट में अकेले नहीं है, बल्कि ऐसी और कई भी एक्ट्रेस हैं। लेकिन अगर पहले बात की जाए तब्बू के बारे में, जिनका नाम साजिद नाडियावाला से लेकर नागार्जुन तक से जुड़ा, तब्बू ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। लेकिन 47 साल की उम्र में ही है वो कुंवारी। हालांकि हाल ही में उनसे सवाल भी किया गया उनकी शादी को लेकर, और जो जवाब उन्होंने दिया वो वाकई काफी हैरान करने वाला था। दरअसल तब्बू ने कहा है कि वो शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है, बशर्ते उन्हें दुल्हा मिल जाए। अब साफ तौर पर जाहिर है कि तब्बू 47 साल की उम्र में शादी के लिए हो चुकी है तैयार, लेकिन अब उनके पास नहीं है दूल्हा। और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें दूल्हा मिलता है तो वो जरूर और जल्द से जल्द शादी कर लेंगी। वही अगर बात की जाए मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन के बारे में, सुष्मिता मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के पहले और बाद में भी कई बार हार रही है सुष्मिता सेन की जिंदगी। बता दें कि सुष्मिता जो दो बेटियों की माँ है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब कुंवारी है सुष्मिता तो फिर दो बेटियों की माँ भला कैसे हो सकती है। लेकिन बता दें इसके पीछे की सच्चाई कि सुष्मिता ने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने गोद लेकर दो बेटियों को पाला पोसा है। जी हाँ दोस्तों, सुष्मिता अपनी दोनों ही बेटियों की परवरिश काफी शानदार तरीके से करती है, लेकिन आज भी वो है कुंवारी। हालांकि उनसे सवाल भी किया जाता है शादी को लेकर, लेकिन बिंदास रहने वाली सुष्मिता सेन की तरफ से कभी भी शादी को लेकर हरी झंडी देखने को नहीं मिली है। वही बता दें कि 90 के दौर में आशिकी गर्ल के नाम से देश भर में रातों रात फेमस होने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल भी इसी लिस्ट में शामिल है। वही बता दें कि फिल्म आशिकी से अनु सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी थी, लेकिन एक रात की उस बुरी घटना ने उनकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। जब वो एक घटना का शिकार हो गई थी और कई महीनों बाद तक उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उस समय वो काफी मुश्किल से फिर से बोलना, चलना, सब कुछ याद करना सीख पाए, क्योंकि उस समय अनु अग्रवाल अपनी याददाश्त खो चुकी थी। बता दें कि ऐसे में उन्होंने शादी भी नहीं की है, तो वहीं आशिकी गर्ल जिन पर एक समय पर ना जाने कितने ही लाखों दिल फिदा रहा करते थे, आज भी वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल कुंवारी है। वहीं बता दें कि इस लिस्ट में एक नाम शामिल सुलक्ष्मा पंडित का भी है। जी हाँ, उनका दिल संजीव कुमार पर आ गया था, लेकिन संजीव कुमार ने सुलक्ष्मा के प्यार को नहीं समझा। दरअसल उन दिनों संजीव कुमार हेमा मालिनी से इनकार सुनने के बाद अपनी ही धुन में उदास खोए रहते थे। जी हाँ, यहाँ था वन साइड लव का चक्कर। दरअसल जहाँ सुलक्षणा करती थी संजीव से प्यार, वही संजीव करते थे हेमा मालिनी से प्यार, लेकिन वही ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का दिल आया हुआ था धर्मेंद्र पर। और इस तरह से ना कभी सुलक्षणा को संजीव कुमार मिल पाए और ना कभी संजीव कुमार को मिल पाई हेमा मालिनी। वो यहाँ पर सुलक्षणा भी हमेशा ही कुंवारी रही।
बता दे, कहा जाता है कि स्त्री सुलक्षणा पर संजीव के इनकार का गहरा असर रहा और वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठी थी। शादी, सिनेमा, प्रेम सब कहीं पीछे छोड़ चुका था। बता दे, अभिनेत्री आशा पारेख दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही है। ना जाने कितनी ही हिट फिल्मों में आशा पारेख ने काम किया है, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा संयोग रहा कि आशा कुंवारी ही रही। आज वो 75 साल की हैं और अपनी जिंदगी को अकेले ही जी रही हैं। यानी ये कुंवारी रहने का दौर काफी समय से चला आ रहा है। बता दें कि इसी लिस्ट में दूसरी एक्ट्रेस शामिल है नंदा, जो अपने टॉप की टॉप एक्ट्रेस नहीं है। जब जब पोल खेले इस एक्ट्रेस को जीवन में कई मौके भी दिए, पर उन्होंने कभी किसी को हाँ नहीं कहा। बहुत बाद में वहीदा रहमान के कहने पर वो मनमोहन देसाई से जुड़ी, पर उसी दौरान मनमोहन देसाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर संयोग ऐसा रहा कि नंदा कभी शादी नहीं कर सकी और पूरी जिंदगी कुंवारी ही रही। परवीन भाभी, जिनको जानने के लिए उनका नाम भी काफी रहा। हालांकि परवीन का नाम कई बेहतरीन सितारों से भी जुड़ा, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी में हमेशा कुंवारी रही। इतना ही नहीं, उनकी जिंदगी के आखिरी दौर में भी परवीन भाभी को बिल्कुल अकेले देखा गया था। जहाँ एक समय पर उन्हें उनकी खूबसूरती उनकी अदाओं के लिए पहचाना जाता था, वहीं परवीन भाभी का उनके बुढ़ापे में ऐसा हाल होगा कभी किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उनका प्रिय रहा था, लेकिन कभी भी शादी का संयोग उनकी जिंदगी में नहीं रहा, जिसके चलते परवीन ने जिंदगी भर तन्हाइयों में अपनी जिंदगी काटी है। और आखिरी समय पर भी जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तो उस समय भी वो पूरी तरह से अकेले ही थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नासिर आम इंसान बल्कि बॉलीवुड की हसीना है, जिनके पास ग्लैमरस ऐसा शोहरत की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हो पाई। वेल दोस्तों, जहां साल की शुरुआत से ही बी टाउन में एक के बाद एक स्टार्स की शादी की शहनाइयां बज रही हैं, ये स्टार्स लगातार ही अपने फैंस के बीच चर्चाओं में भी बने हुए हैं। अब जहां खबरें ये हैं कि अब दीपिका और रणवीर सिंह के बाद प्रियंका चोपड़ा भी जल्द ही शादी करने वाली हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जहां ये नई नई हसीनाएं शादी कर अपना घर बसा रही हैं, लेकिन वहीं ये पुरानी कुछ अदाकाराएं हैं जो आज 40 की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन आज भी वो कुंवारी हैं।
और जब जब इनसे किया जाता है इनकी शादी को लेकर सवाल, तो ये हमेशा ही किसी ना किसी तरह से इन सवाल को टाल देती है। वेल दोस्तों, अब इनके फैंस की तरह हम भी यही कहेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द अपने लिए दुल्हा ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इनके फैंस कर रही हैं बेसब्री से इंतजार। वेल, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।